सुशांत डिप्रेशन में नहीं था। जो एक छोटे शहर से आया, जिसने अपना नाम कमाया, अपने दम पर जिंदगी जी, अपने दम पर बना। तो दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर केस एक राज बन कर रह गया है। जी हाँ दोस्तों, अंकिता लोखंडे से की गई पूछताछ में अंकिता लोखंडे ने कहा कि मैं सुशांत सिंह राजपूत के बारे में कुछ नहीं जानती। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अंकिता लोखंडे से अच्छा सुशांत सिंह राजपूत को कोई नहीं जानता था, क्योंकि दोस्तों वो एक साथ लिविन में रहे हैं और लगभग वो 6 साल तक एक साथ रहे हैं। और दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत अंकिता लोखंडे से बहुत प्यार करते थे। और दोस्तों, अंकिता लोखंडे ने एक वीडियो में खुद ही कबूल किया है कि मैं सुशांत सिंह राजपूत से प्यार करती थी। और अभी 2020 में मार्च में उन दोनों का ब्रेकअप हुआ था। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत के इस मर्डर केस से कोई खुलासा नहीं होता दिख रहा है। दोस्तों, जो जिससे भी पूछताछ की जा रही है वो सिर्फ यही कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ। दोस्तों, आप अंकिता लोखंडे का वो वीडियो भी देख लीजिए जिसमें उन्होंने कहा कि मैं सुशांत सिंह राजपूत के बारे में कुछ नहीं जानती। मेरे पास कुछ नहीं है एक्चुअली। देखा जाए तो मेरे पास सुशांत के लिए इन चार्ज क्या हुआ क्यों हुआ मुझे कुछ नहीं पता है। तो दोस्तों, ये सब कब तक चलता रहेगा? क्या दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ नहीं मिलेगा? दोस्तों, ये सब एक चाल थी दोस्तों, जो कि रिया चक्रवर्ती या अंकिता लोखंडे दोनों में से किसी ने भी चली है। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड नहीं किया है दोस्तों, उनका मर्डर किया गया है। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत बहुत ही बढ़िया नेक दिल इंसान थे। और दोस्तों, ऐसा नेक दिल इंसान इस ज़माने में तो नहीं मिल सकता। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत अपनी दम पर एक छोटे से गाँव में इतना बड़ा सुपरस्टार बना। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी लाइफ खुद अपने हाथों से बनाई थी। और दोस्तों, उन्होंने एक डायरी में अपने जो सपने लिखे थे दोस्तों, वो सपने सुशांत सिंह राजपूत ने पूरे करके दिखाए। और दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत खाना अपने हाथों से खुद बनाकर खाते थे। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत बहुत ही नेक दिल इंसान थे और अंकिता लोखंडे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। दोस्तों, रिया चक्रवर्ती ने भी बताया जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से 15 करोड़ रुपये निकाले थे। और दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत का ये मर्डर केस अभी एक राज बनता ही रह गया है। दोस्तों, रिया चक्रवर्ती के ऊपर सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी ने के सिंह ने केस दर्ज करवाया है। और दोस्तों, उन्होंने कहा कि अब मेरे बेटे के केस के लिए CBI जांच की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, सुशांत सिंह की फैमिली वालों ने रिया चक्रवर्ती पर मुकदमा केस दर्ज कर दिया है। और दोस्तों, उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द मेरे बेटे को इंसाफ मिलना चाहिए। और